नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जो अगर ना होते तो हिंदुस्तान आज जिस दिशा में है शायद वह ना होता। आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो चलिए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ की इंटरेस्टिंग बातें। छत्रपति शिवाजी, जिन्हें हम शिवाजी भोसले के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म 1630 को हिल फोर्ट शिवनेरी, जो कि सिटी ऑफ जुन्नार पूना के पास में है, वहां पे हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी और शिवाजी अपनी मां के काफी करीब थे। शिवाजी को शस्त्र विद्या की सारी शिक्षा उनकी मां और गुरु दादाजी कोंडेव के द्वारा दी गई थी। शिवाजी इनमें बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटी थी, तभी वे आगे चलकर एक महान योद्धा बने। अब आता है साल 1646। तब तक शिवाजी ये जान गए थे कि मुगलों को हराने के लिए अपनी आर्मी और किलों की बहुत जरूरत है, तो उन्होंने स्टार्ट किया अपनी आर्मी बनाना, जिसमें उन्हें मिले मालवा रीजन के लोग जो कि काफी बहादुर थे। तो आहिस्ता आहिस्ता शिवाजी ने अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया। इनकी सेना के दो सबसे घातक सिपाही थे, पहले थे बाजी प्रभु देश पांडे और दूसरे थे तानाजी मानुसुले। अपनी जीत के दौरान उन्होंने हिंदवी स्वराज का नारा दिया था। तो आइए अब हम बात करते हैं शिवाजी की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। 1646 को सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपना पहला किला जीता और बिना किसी जंग से जीता, सिर्फ डिप्लोमेटिक टैक्टिक से जीता था। और फिर अगले दो साल उन्होंने पुरंदर, कोंढना और कुछ और इंपॉर्टेंट किले पुणे के पास में जीते। 1649 से 1655 तक शिवाजी ने साइलेंटली बिना किसी अटैक के अपनी आर्मी को जमा करना शुरू किया। तब वो बीजापुर सल्तनत पर अटैक नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके पिता वहीं काम करते थे। इसमें स्टार्टिंग में जब शिवाजी ने कुछ किलों पर कब्जा किया था, तब आदिलशाही ने उनके पिता को बंदी बना लिया था। तब आदिलशाही और शिवाजी के बीच में पीस ट्रीटी साइन हुई थी। उसके बाद शाहजी भोसले, जो कि शिवाजी के पिता थे, वहां से निकल आए थे। तो उसके पश्चात 1656 में शिवाजी ने फर्स्ट अटैक करना स्टार्ट किया। बीजापुर सल्तनत शिवाजी से काफी परेशान हो गई थी, तो तब उन्होंने अपने जनरल अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। तो अफजल खान के बारे में कहते थे कि वह 6.5 फुट का लंबा चौड़ा जनरल था। उसने शिवाजी को संधि करने के लिए प्रतापगढ़ के किले में बुलाया। तो शिवाजी अपनी पूरी चालाकी से गए। वह जानते थे कि अफजल खान क्या करना चाहता है। शिवाजी अपने कपड़ों के अंदर लोहे का कवच और हाथ में बाघ नाक, जो कि एक शेर के नाखून जैसा हथियार है, वह लेकर गए। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले से दबोचा, तभी शिवाजी ने पहले उसकी पीठ पर खंजर से वार किया और फिर बाघ नाक से उसका पेट फाड़ दिया। अफजल खान की वहीं मौत हो गई। तो फिर उसी समय शिवाजी की सेना ने एकदम अटैक कर दिया और बीजापुर आर्मी के 3000 सैनिकों को मराठाओं ने गाजर मूली की तरह काट दिया। ये बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1649 को लड़ी गई थी और इसी बैटल के बाद मराठा साम्राज्य की नींव पड़ गई। ये जंग शिवाजी को बचाने के लिए लड़ी गई थी। इसमें ऐसा कहा जाता है कि बीजापुर सल्तनत की 10,000 की सेना ने किले पर अटैक किया था, तो उस समय शिवाजी को वहां से निकलना जरूरी था। तो 300 मराठा बाजी प्रभु देश पांडे के नेतृत्व में घोंड खिंड, जो कि एक दर्रा था, उसको ब्लॉक कर दिया और ये 300 मराठा पूरी आदिलशाही की सेना से भिड़ पड़े। और जब तक शिवाजी उस किले से सेफली निकल नहीं गए, तब तक ये 300 मराठा लड़ते रहे और पूरी आदिलशाही की सेना को रोक लिया। 1657 तक शिवाजी मुगलों से नहीं भिड़े थे। ऐसा कहते हैं कि जब शाहजहां मुगल बादशाह थे, तब औरंगजेब डेक्कन में थे। तब शिवाजी और औरंगजेब आपस में खत लिखकर बात किया करते थे, पर जब औरंगजेब ने मुगलों की कमान संभाली, तब शिवाजी ने मुगलों की कुछ टेरिटरीज पे अटैक किया। उसके बाद मराठाओं और मुगलों की दुश्मनी स्टार्ट हो गई। इसमें एक स्टोरी ऐसे है कि औरंगजेब ने शाइस्ता खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था। तो 5 अप्रैल 1663 की रात को शिवाजी ने शाइस्ता खान के कैंप पे अटैक कर दिया और उस वार में शिवाजी ने शाइस्ता खान की 3 उंगलियों को काट दिया और शाइस्ता खान उसी समय वहां से भाग गया। आगे चलकर ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई शिवाजी और जय सिंह के बीच में। उसके बाद एक बार औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, पर यहां औरंगजेब ने शिवाजी को छोटे मंत्रियों के साथ खड़ा किया, तो शिवाजी को ये अपना अपमान लगा। तो दोनों के बीच बहस हो गई,
फिर औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। उसके बाद शिवाजी चालाकी से फलों की टोकरी में छुपकर वहां से भाग निकले। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उस समय शिवाजी के साथ उनके बेटे शंभाजी भी थे, जो उस समय सिर्फ 9 वर्ष के थे। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज अभिषेक हुआ। इसमें ऐसा कहा जाता है कि उस समय शिवाजी का जल अभिषेक 7 नदियों के पानी से हुआ था, जो थी यमुना, सिंधु, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि शिवाजी के राज अभिषेक के समय 50,000 लोग आए थे और फिर वे शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। उसके बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य को काफी एक्सपेंड किया और मुगलों की हालत खराब कर दी। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक बार औरंगजेब ने कहा था कि शिवाजी से भिड़ना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। 3 या 5 अप्रैल 1680 को सिर्फ 50 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 6 साल हुए थे इन्हें महाराज बने हुए और यह हादसा हो गया। इनकी मृत्यु का कारण कुछ भी क्लियर नहीं है। कुछ कहते हैं कि वो काफी बीमार हो गए थे और कुछ कहते हैं कि खून का रिसाव ना रुकने के कारण इनकी मृत्यु हुई, पर कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी का अंत हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जिसमें हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ की कुछ बातें जानी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें।